इधर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को महान नेता बताते हुए आज भाजपा के कई शीर्ष नेताओं पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा। मेघवाल वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी की अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी किताब हार नहीं मानूगा के लोकार्पण समारोह में खुलकर बोले। मेघवाल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी महान है। आज कई नेताओं को जबरदस्ती महान बनाया जा रहा है, उन्हें महान बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे महान नहीं है। मेघवाल ने यह भी कहा कि हम कामना करेंगे कि वाजपेयी स्वस्थ होकर देश का नेतृत्व करें। मेघवाल इस इशारे को पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पर माना जा रहा है। हालांकि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में भी मेघवाल ने उस नेता का नाम बताने से इनकार कर दिया। वाजपेयी को जब गुजरात में मोदी सरकार में गड़बड़ लगी तो खुलकर कहा कि यह ठीक नहीं। बाद में जब सुधार कर लिया तो मोदी की तारीफ की गई थी। मेघवाल ने कहा कि सत्ता का चस्का ही ऐसा होता है कि यह छूटता नहीं। मैं भी राजनीति तभी छोड़ूंगा जब ऊपर से बुलावा आएगा। तो क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। महानता कई लोगों पर थोपी जाती है, कई महान पैदा होते हैं, कई लोगों पर थोपी जाती है जो सारा देश देख रहा है, थोपी जा रही महानता। और कई लोग महान पैदा होते हैं और विकसित होते हैं। तो महान पैदा होते हैं और विकसित होते हैं वो प्रमाण है हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी का, और इसको हमको मानना पड़ेगा। और कई लोगों को महान बनाया जा रहा है, अब कब बनेगी कब नहीं तो भगवान जाने, पर कोशिश की जा रही है। महान नहीं है फिर भी महान बनाया जा रहा है। अब ये भी इस देश का एक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हर एक को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। देश में कई तरह की बुराइयाँ आई, अब वो बुराइयाँ तो बुराइयाँ मिटेगी कभी न कभी, लेकिन उन बुराइयों से ऊपर उठकर देश में काम करना वो बहुत बहादुरी का काम है। उस बहादुरी के काम में अटल बिहारी जी वाजपेयी हमेशा आगे रहे, कभी किसी बात की चिंता नहीं की। अगर 2002 में उनको जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार गुजरात में पसंद नहीं आई तो स्पष्ट रूप से कहा कि ठीक नहीं है, लेकिन जब समय के साथ वापस ठीक का हुआ तो उन्हीं अटल बिहारी जी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिए, चलो आगे बढ़ो। तो ये उनका एक जीवन का मूल मंत्र था कि सही बात को सही कहना, देश के हित में कौन सी बात है, देश के कैसे रिश्ते रखे। वैसे तो उम्र आ गई है रिटायरमेंट की, लेकिन रिटायरमेंट होऊंगा नहीं राजनीति में रिटायर तो मौत ही करती है आदमी को। ये सत्ता का चस्का ऐसा होता है कि मरते मरते भी जो है सत्ता के चस्के से आदमी का लगाव बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में मैं भाई साहब कह रहा हूँ, मैं भी राजनीति में तभी छूटूंगा जब ऊपर से आएगा पेरवाना।